हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैक टू ट्रोड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 15.4 के बेटा 1 के जो एक चेंजेस के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार एक नया फीचर iOS 15.1 के बेटा 1 में आया। तो गाइस, बेसिकली ये फीचर फेस आईडी को लेकर है, जो कि बहुत ही शानदार अपग्रेड एप्पल ने इस बार कर दिया है फेस आईडी को लेकर। अब फेस आईडी आप अपने मास्क लगाकर भी खोल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम फेस आईडी मास्क के साथ नहीं खोल सकते हैं, सिंपली हमको मास्क को थोड़ा सा हटाना पड़ता है अपने फेस से। जब जाके ये फेस आईडी हमारी ओपन होती है, हमारा आईफोन अनलॉक होता है। तो सिंपली ये जो अपडेट आने वाला है iOS 15.4 बेटा 1 का, इसमें आप बिना अपने मास्क को हटाए फेस आईडी के साथ अपने आईफोन को अनलॉक कर पाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार फीचर है। ये सारे आईफोन में वर्क करेगा, जिसमें भी आप iOS 15.4 का जो ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तब आपके सारे डिवाइस में ये वर्क करेगा, जिसमें भी फेस आईडी है आईफोन एक्स से ऊपर के सारे डिवाइस में। अभी फ़िलहाल के लिए बेटा वर्जन में ही अवेलेबल है, लेकिन अभी बेटा वर्जन में भी आने में इसको थोड़ा टाइम है, क्योंकि गाइज अभी मेरा जो डिवाइस है बेटा वर्जन पर ही है। लेकिन अभी इसमें iOS का ये वाला जो फीचर है फेस आईडी का, वो अभी तक नहीं आया है, जबकि ये बेटा प्रोफाइल अप टू डेट मैंने अभी कर रखी है इसको। तो सिंपली ये 2 से 3 दिन में ये वाला जो iOS 15.4 का बेटा 1 है वो ऑफिशियली रिलीज़ हो जाएगा बेटा प्रोफाइल्स के लिए। तो सिंपली उसको इंस्टॉल करने के बाद हम एक बार चेक करेंगे इसमें कि ये फेस आईडी का कैसे क्या वर्किंग करता है। अगर आपको भी इसका अर्ली एक्सेस लेना है आईफोन फेस आईडी मास्क के ओपन के साथ, तो आप सिंपली पब्लिक बेटा वर्जन को अपने आईफोन डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। betaproplies.com पे जाकर सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। करने के बाद आपको भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट में देखने को मिल जाएगा बेटा प्रोफाइल। जब भी ये बेटा प्रोफाइल 15.4.1 आपके iOS में लॉन्च होगी, तो सिंपली आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। और अगर आप वेट करना चाहते हैं, नॉर्मली आपके डिवाइस में आने में इसको 2 हफ्ते लगेंगे, तो सिंपली 2 हफ्ते बाद आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी के साथ इसमें एक नया फीचर और ऐड होने वाला है, जो भी फेस आईडी को लेकर ही है, जो कि iOS 15.4.1 के बेटा में आने वाला है, जिसमें आप सिंपली अगर आप ग्लास यूज़ करते हैं आँखों के लिए, ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बार बार आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली इसमें फेस आईडी के अंदर ही ये ऑप्शन आने लग जाएगा, जिसमें आप ऐड ग्लास पे क्लिक करके अपना फेस रजिस्टर कर सकते हैं अपने ग्लास को पहनकर। तो सिंपली आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सनग्लासेस के साथ अगर आप फेस आईडी यूज़ करते हैं, तो भी एक शानदार फीचर ये है। और इसमें कुछ नए इमोजी ज़रूर आए हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके के नए इमोजी आपको 15.4 के बेटा वर्जन में देखने को मिल जाएंगे। ये सारे कुछ नए इमोजी हैं जो आपको इसमें चेक कर सकते हो आप। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले अपडेट में मास्क आईडी अपडेट के साथ। वो पूरा कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको रजिस्टर करते हैं, वो सारा हम चेक करेंगे अगली वीडियो में। और आपके कोई आईफोन या आईओएस को के कोई क्वायरी हो, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज में रहें।